डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते राजरत्न अंबेडकर ने आरएसएस को हिंदुस्तान की दहशतगर्द तंजीम से किया ताबीर। कहा, सबसे पहले आरएसएस पर लगनी चाहिए पाबंदी। एक साध्वी का तस्करा कर पीएम मोदी को भी लिया आड़े हाथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बगल में एक साध्वी बैठी है और वो इंटरव्यू में कहती है कि इंडियन आर्मी के पास जब बारूद खत्म हो गए, जब गन खत्म हो गई, जब पूरा आर्म्स एंड एम्युनेशन खत्म हो गया, तब आरएसएस ने वो एम्युनेशन, वो बारूद, वो बम इंडियन आर्मी को दिया। इसका मतलब आरएसएस के पास इतना बम कहां पर है, इतना दारू गोला कहां से आया, इतने गोलियां कहां से आई, इतने बंदूकें कहां से आए। प्रधानमंत्री के बाजू में बैठकर ये साध्वी इस तरह की स्टेटमेंट करती है। जिस घर में अगर बारूद पाया जाए तो क्या वो घर या घर का लड़का टेररिस्ट नहीं कहा जाएगा? तो जिस संगठन के पास इतना बारूद है, क्या वो संगठन आतंकवादी संगठन नहीं है? इनके लोग आज आतंकवादी कृत्यों में पकड़े जा रहे हैं। ऐसे संगठनों को विश्व में से बैन लाने की जरूरत है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ कई एक रियासतों ने भी कसी कमर। अब बंगाल विधानसभा में सीए के खिलाफ पेश हुआ प्रस्ताव, कांग्रेस ने देरी करने पर उठाया सवाल। शाहीन बाग में 42 दिनों से मुसलसल जारी सीए मुखालिफ एहतजाज को अब सियासी पार्टियों की तरफ से बनाया जा रहा है सियासी मुद्दा। बोले मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद, सीए की नहीं पीएम मोदी की हो रही मुखालिफत। केजरीवाल और कांग्रेस पर रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना। सबको विरोध करने का अधिकार है, अपनी बात कही है, ये लोकतंत्र है, लेकिन ये विरोध विरोध के लिए नहीं है, ये विरोध मोदी विरोध है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने रविशंकर प्रसाद पर किया पलटवार। कहा, बीजेपी और मरकजी हुकूमत नहीं चाहती कि खत्म हो शाहीन बाग एहतजाज। वजीर दाखिला अमित शाह और रविशंकर को शाहीन बाग जाने का केजरीवाल ने दिया मशवरा। कहा, 8 तारीख को दिल्ली में असेंबली इंतखाबात खत्म होती, 9 तारीख को खुल जाएगा रास्ता। तो ये जो कई दिनों से तकलीफ हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसके तहत लॉ एंड ऑर्डर आता है, केंद्र सरकार, वो इसका समाधान क्यों नहीं कर रही है? रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने की बजाय, अभी रविशंकर प्रसाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इतने में वहाँ शाहीन बाग हो आते। दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं सुधरेगी, काम करने से सुधरेगी। हमसे सीखो काम कैसे करते हैं, काम करना हमको आता है, इनको केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और गंदी राजनीति करनी आती है। और आज लिख के ले लो, ये 8 तारीख तक रस्ते नहीं खुलने वाले, 9 को खुल जाएंगे। ये शाहीनबाग के रस्ते भारतीय जनता पार्टी खोलना ही नहीं चाहती। इतने इनके बड़े बड़े नेता हैं, सबको जाना चाहिए शाहीनबाग, जाके उनसे बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके वो रस्ते खुलवाने चाहिए। कह रहे केजरीवाल से हमको परमिशन चाहिए, आज परमिशन दे दी। बीजेपी वालों चलो करो, अभी 1 घंटे में खुलवा दो रस्ते। सीए को लेकर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने मरकजी हुकूमत को दिया मशवरा। का हुकूमत छोड़ दे अपनी जीत। बोले चौधरी, तलाक सलासा को लेकर पीएम मोदी मुस्लिम खवातीन कहते हैं हमदर्दी जाहिर कर बाहर रहते आंसू। 1.5 महीने से शाहीन बाग में धरने पर बैठी हुई है आज वही खवातीन, पीएम मोदी को दी शाहीन बाग जाने की सलाह। मुस्लिम बहनों के लिए बड़ा खेद व्यक्त कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी ड्यूरिंग ट्रिपल तलाक। बेटर ही शुड नाउ गो टू शाहीन बाग वेयर दोज माँ और बहनों हैव बीन एजिटेटिंग फॉर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स इफ ही इज सो ऑनेस्ट। सीए की मुखालिफत के दौरान पाकिस्तानी कलाकार अदनान समी को पद्म भूषण अवार्ड देने पर अब मरकजी हुकूमत पर कसा जा रहा है तंज। अपोजिशन लीडरान हुकूमत की मंशा पर उठा रहे हैं सवाल। मोदी जी चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो पाकिस्तानी को भारत की नागरिकता मिलेगी और उसे पद्मश्री से भी वे नवाज देंगे, लेकिन जो भारतीय हैं उन्हें भारतीय हो इसका सबूत मांगेंगे। अगर आप सरकार के खिलाफ हो तो आपको नवाजा नहीं जाएगा, आपको धुतकारा जाएगा, पीटा जाएगा। मोदी जी का जो गुणगान करेगा उसको भारतीय नागरिकता के साथ साथ पद्मश्री भी दिया जाएगा। हमें लगता है ये भारत की जनता का अपमान है। बीजेपी के साबिक सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा ने सीए को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को दस्तूर के बुनियादी ढांचे के इकरार या खिलाफ। कहा, मुल्क में इस कानून को लाने की नहीं थी कोई जरूरत, साबिका कानून के तहत ही हुकूमत को हासिल था किसी को भी शहरियत देने का इख्तियार। बोले सिन्हा, सरकार इसको नहीं कर सकती नाफिस। हजारों लोगों को इसी सरकार ने सिटीजनशिप दिया है पिछले 5 सालों में, तो धर्म पर आधारित ये करने की क्या आवश्यकता थी? है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। सरकार ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है लॉ में, उस भाषा को देखते हुए इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। और शायद सरकार की मंशा भी यही है कि इसको मत इम्प्लीमेंट होने दो और केवल भटका के रखो लोगों को।
मुंबई में भी शाहीन बाग तर्ज पर ही शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज पर बैठे खवातीन ने सीए को हिंदुस्तान की सकाफती खुद मुख्तारी पर हमले से किया ताबीर, हुकूमत से कानून वापस लेने का किया मुतालबा। चीख के लेंगे जो तू ला देगा, अरे पुत्र सत्ता से पढ़ने लिखने की, जिंदा रहने की, साथी चुनने की, तो प्यार करने की, तो ना करने की, शादी करने की। जयपुर के लिटरेचर फेस्टिवल में सीनियर कांग्रेसी लीडर शशि थरूर ने सीए को बताया जिन्ना की टू नेशन थियरी का मंसूबा, कहा सीए और एनआरसी का होगा निफाज तो मोहम्मद अली जिन्ना के मंसूबे की होगी जीत। आप तो जिन्ना के लॉजिक लेके हमारे देश को लेके आए हैं कि मजहब के अनुसार आप सिटीजनशिप दे देंगे, ये तो पाकिस्तानी लॉजिक है, ये महात्मा गांधी के लॉजिक नहीं। यौम जमहूरिया के मौके पर केरल में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ किया गया एक अनोखा एहतजाज, खुद वजीर आला पिनारायी विजयन की क्यादत में 620 किलोमीटर तवील बनाई गई इंसानी जंजीर, कुल 70 लाख लोगों के शामिल होने का किया जा रहा है दावा। बोले वजीर आला पिनारायी विजयन, रियासत में सीए एनआरसी और एनपीआर का हरगिज नहीं होगा निफाज, एहतजाजियों को दिलाया दस्तूर का हलफ। मंगलुरु में सीए की हिमायत में मुनाकिद किया गया इजलास आम, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इजलास में शिरकत कर मुतनाज़े कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की हिमायत में माहौल तैयार करने की कोशिश, सीए के गिनवाए फवाइद। उत्तर कन्नड़ा भटकल टाउन म्युनिसिपल काउंसिल को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बेहतरीन कारकर्दगी पर पूरे शुमाली कर्नाटक में हासिल हुआ दूसरा मकाम, रियासती हुकूमत की तरफ से भटकल टीएमसी की बेहतरीन कचरा निकासी की पजराई कर सेकेंड बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी ऑफ उत्तर कन्नड़ा का दिया गया खिताब, टीएमसी की पूरी टीम को दी जा रही मुबारकबाद।